जैसा कि आ गया हमारे पास ये अमेजोन की ग्रेट इंडियन सेल से रॉक लीडर, हमने बुक कर दिया था और आज प्लेस ऑर्डर हो चुका है, ये आज हमारे घर पे पहुंच चुका है। आज करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं क्या है फीचर्स, क्या है इसके स्पीड, क्या है इसके स्पेक्स, सब कुछ जानते हैं आज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लंबी नहीं करेंगे ज़्यादा वीडियो। तो दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्स, हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। जल्दी से मैं आपको कुछ स्पेक्स बता देता हूँ मैं इसके, यहाँ बस कुछ नहीं। सबसे पहली चीज़ तो 2.4 GHz पे चलने वाली है, यानी इसकी जो रिमोट है उसका रेंज 2.4 GHz है, इतनी दूर तक सपोर्ट कर जाएगी ये। बस इसके वेरियंट्स है, कितने कितने वेरियंट्स, कैसे कैसे, कौन कौन से हैं हमारे पास। ये जिस रिमोट का जिस वेरियंट है जो 27 mAh से चलने वाला है, और ये यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हुई है। और इस साइड भी तो वही आ गया वैसे, तो यार हाँ पीछे आना है सबसे पहले। ये रहा हमारा, तो हम जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्स करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा सील ब्रेक, तो हम सील ब्रेक करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि हमारा सील ब्रेक हो चुका है, अब निकालते हैं अपनी कार हम। फिर आपको दूर से पहले अंदर से दिखा देता हूँ कैसी है कार। ये कार की डिज़ाइन तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना हमें बिल्कुल। तो दोस्तों एक साइड हमारी ओपन हो चुकी है, अब देखते हैं, ओपन करते हैं अपनी एक साइड। नहीं, हमने सील तो ब्रेक इस साइड किया था, तो ये साइड हमारी ओपन हो चुकी है, अब निकालते हैं अपनी कार को। ये रही हमारी ब्रांड न्यू कार जो रेड वेरिएंट कलर में है। इसकी कलर की शाइनिंग कितनी गजब लग रही है यार, मैं आपको पास से दिखाता हूँ इस कार को। यार इसमें किसी तरीके की एक डिज़ाइन बन रखा है जो ड्रैगन है, एक रॉक लिखा रखा है, यहाँ पे रॉक लिखा हुआ है और यहाँ पे अवेल अवेल लिखा हुआ है। और बस वैसे तो बहुत तगड़ा डिज़ाइन लग रहा है इसका, इसको बाद में देखेंगे, इसको साइड कर ले जब तक हम। तो दोस्तों अब निकालते हैं इस कार के कंट्रोलर। तो ये हमारा कंट्रोलर एक रिमोट निकल चुका है जो सपोर्ट करेगा इस कार को, इसको इसको भी साइड कर देते हैं ये, और देखते हैं क्या क्या है इस कार में। और एक है ये बैटरी जो सेल जो हम कार के साथ जॉइंट होगा ये, और ये एक केबल चार्जर केबल है। तो दोस्तों ये जो यूएसबी है, इसके साथ आपको कोई भी अडेप्टर नहीं मिला है, आपको अडेप्टर खुद लगाना पड़ेगा और फिर आप खुद ही चार्ज करेंगे कार को। तो अब और देखते हैं अंदर, अंदर क्या, अंदर तो कुछ नहीं है, पूरा खोखला है, अब इसको साइड करते हैं। हाँ तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये रिमोट जो कनेक्ट वायरलेस है, जो कनेक्ट होगा इसके साथ गाड़ी के साथ अपने कार के साथ। इसको साइड रखते हैं पहले, मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूँ आपको। ये ऑन ऑफ, जिससे हमें ऑन और ऑफ करना है, अभी ऑफ ही पे रहने देते हैं। ये राइट लेफ्ट का है, ये आगे पीछे, ये आगे का जो टायर है उसको राइट लेफ्ट करने का है, और पीछे पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे हमें खोल के सेल डालना होगा जिसके द्वारा ये चलेगा। इसको भी सेट करते हैं भैया, ये तो आपने देख ही लिया है बैटरी, इसको भी साइड करते हैं। अब हम खोलते हैं अपनी कार को। तो दोस्तों अपनी कार को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से खुला हुआ है, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी साइड कर देते हैं हम लोग। तो ये रही हमारी कार, आपको थोड़ा और पास से दिखा देता हूँ। ये रही हमारी कार। फर्स्ट फर्स्ट मैं आपको इसका टायर दिखाता हूँ, इसकी टायर की साइज़ मेरी मेरी एक उंगली के बराबर है। मैं आपको स्केल से इसकी साइज़ देख लेते दिखा। दोस्तों ये रहा हमारा स्केल, मैं इसके टायर की साइज़ दिखा देता हूँ। तो इसके टायर की साइज़ लगभग मैं देख के बता देता हूँ आपको, इसके टायर की साइज़ है 7.5 सेंटीमीटर। देखिए आप खुद देख सकते हैं, नहीं 7 सेंटीमीटर इसकी, परफेक्ट परफेक्ट तो नहीं कह सकते वैसे या। और तो दोस्तों मैं इस कार को पूरी तरीके से दिखाया था हूँ आपको। ये रही हमारी कार, ये कितनी मस्त डिज़ाइन इस कार की है, ये सॉकर्स हैं इसके। तो ये रही हमारी कार, आप देख सकते हैं। मैं तो अंदर से दिखाया था हूँ, अंदर क्या क्या है इसके कार के अंदर जस्ट कुछ भी नहीं है, एक स्टेयरिंग है, एक जस्ट एक स्टेयरिंग, बस दो सीट, टू सीटर रही कार बस। अब इसको आपकी इस कार की स्पीड दिखाया था मैं आपको, और स्पीड दिखाने के लिए मुझे कार को ऑन करना पड़ेगा, और ऑन करने के लिए मुझे यहाँ पे बैटरी लगानी पड़ेगी सेल्स, जो मैं भी लगा देते दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये रही वो सेल जो हमारी कार में लगेगी,
और ये रही वो सेल जो हमारी कार के रिमोट में लगेगी। ये रहा हमारा रिमोट इस जो उसके बैक साइड में लगेगी, और ये रही हमारी वो सेल जो हमारी कार के बैक साइड में लगेगी। तो जल्दी से हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। जल्दी से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी दोनों चीज़ों की सेल कनेक्ट हो चुके हैं, और देखते हैं कार अच्छी है बुरी है, बहुत अच्छी है कैसी है, देखते हैं। और यार कमेंट करना मत भूलना, बताना ये वीडियो कैसी लगी, या कार अच्छी आपको वीडियो अच्छी लगी या कार अच्छी लगी, जो भी अच्छी लगी हो आपको कमेंट जरूर कर देना। अगर कोई भी अच्छा नहीं लगा तो वही कमेंट कर देना यार। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कार को, देखते हैं क्या है कार में। ये हमारी कार सीधी हो चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले कार को हमें ऑन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे है ऑप्शन। हमारी कार ऑन हो चुकी है। अब हम करेंगे अपनी जो रिमोट है रिमोट को ऑन। तो हमारी रिमोट भी ऑन हो चुकी है, इसमें लाइट जल चुका है। हम देखते हैं, देखिए इसकी स्पीड स्पीड देखिए आप यार, ये रही हमारी कार, थोड़ी ज़्यादा स्पीड ले ली इसने, बट कोई नहीं। तो यार मैं कुछ दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने कार को चेक करने के लिए सामने एक बुगाटी कार रखी है, और ये हमारा हिल क्लाइंब रॉक लीडर कार। देखते हैं इसके ऊपर ये लोड हो पाता है कि नहीं हो पाता, चढ़ पाता है कि नहीं चढ़ पाता, हम चेक करते हैं ट्राई। ओ भाई साहब ये तो बिल्कुल रियल कार लग रही है यार फ्रेंड्स। इतनी यार ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, इतनी यार इतनी पावर है इस कार में, दोबारा चढ़ जा रही है। मैं एक और बार दिखा देता हूँ इसकी आपको, यही पूरी आगे निकल गई। तो यार बस हमारी वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना यार, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। वीडियो अच्छी लगी तो आपको यार आपके हाथ में सारा सब कुछ। तो वीडियो हमारी इतनी थी, तो अगली वीडियो में फिर कुछ अनबॉक्सिंग होगी, तो बस इतनी तक थी बस।